हैचबैक के प्राइस में जब एसयूवी मिलने लगे तो मजा ही आ जाता है। दिस इज द ऑल न्यू निसान मैग्नाइट बेस वेरिएंट 5.99 लाख के शोरूम प्राइस में आपको क्या क्या मिलता है, और इसी में अगर ऑटोमेटिक जाते हो सिर्फ और सिर्फ 50,000 एक्स्ट्रा दो और आपको एक प्रॉपर एएमटी भी मिल जाता है। जिनको नीज में प्रॉब्लम है उनके लिए वेरियंट बहुत सही रहता है, लेकिन यूजली बेस वेरियंट होते हैं सबसे वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज इसमें 6 एयरबैग्स भी हैं, रूफ रेल्स भी हैं, साथ में आपको इंटीरियर में भी कंफर्ट के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और सेफ्टी फीचर्स भी। लेकिन इससे भी बेटर एक वेरिएंट है जिसमें थोड़े से ही प्राइस एक्स्ट्रा करके आपको बहुत बहुत एडवांटेज मिलता है। तो वो कौन सा वेरिएंट है, ये कौन सा वेरिएंट है, हैचबैक लेनी चाहिए या एक एसयूवी की तरफ जाना चाहिए, एक बेटर लुक्स की तरफ जाना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो आपका काम है वीडियो का एंड तक देखना, मेरा काम है सारी इन्फॉर्मेशन देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड, मेरा नाम ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू निसान मैग्नाइट विजया या विजया जो भी इसका नाम है। द बेस वेरियंट 5.99 लाख के एक्सशोरूम प्राइस से शुरू हो जाता है। अब इसमें मिलता क्या क्या है, और हाँ मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ से इसे परचेज करने में आपको डिलीवरी, बेस्ट रेट्स, क्विकेस्ट सर्विस सब कुछ मिल जाएगा। क्रोम सारा मिलेगा, ये भी क्रोम साथ में मिलेगा, फॉग लैंप्स की हाउसिंग है, ऑब्वियसली फॉग लैंप्स यहाँ मिलेंगे नहीं आपको। और इस तरफ देखेंगे तो स्लीक हेलोजन हेडलैम्प सेटअप के साथ टर्न इंडिकेटर बल्ब सेटअप में आपको ऑफर किया जाता है कंपनी की तरफ से। अब इस गाड़ी में देखो, नाम ज़रूर इसका एसयूवी आ जाता है, बट इस वाले वेरियंट में आपको स्पोर्ट्स वाली फीलिंग नहीं आएगी उतनी ज़्यादा, बिकॉज इंजन नेचुरल एस्पिरेटेड ही है। बट ध्यान से सोचो, हैचबैक्स के साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर तो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ही आ रहा है और वहाँ पर भी पावर कंपैरेटिवली कम ही रहती है। तो 72 पीएस एंड 96 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है और 19.4 किलोमीटर्स की माइलेज भी आपको मिल जाती है, बट रियल लाइफ माइलेज मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ आपको। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल और क्या क्या मिलता है दिखाता हूँ अच्छे से। मेजर चीज़ तो रूफ रेल, 6 एयरबैग्स और एक रियर सीट में ऐसा फीचर जो कि टॉप वेरियंट में भी कई बार नहीं मिलता। कम्फर्ट को काफ़ी ध्यान रखते हुए कंपनी ने दी है, तो सब दिखाऊंगा, आ जाओ। मेरी बात मानना, यहाँ पर व्हील कवर जरूर करवा लेना, बिकॉज है तो 16 इंच, साइज अच्छा है बट दिखने में ठीक ठाक सही लगता है। व्हील कवर से ना थोड़ी सी बेस से अपर वाली फील आ जाती है, बट अच्छी चीज़ पता है क्या है कि टॉप में भी साइज 16 इंचेस का ही है, तो अगर अलॉय व्हील्स करवाना चाहोगे तो करवा पाओगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कंफर्ट अच्छा ओवरऑल मिल जाता है, साइड पे आपको इंडिकेटर मिलेगा, ब्लैक डॉट ORVMs है, मैग्नाइट की बैजिंग है और साथ में क्रोम डोर हैंडल्स। ये मेरे ख्याल से एक्सेसरी है, ये शायद नहीं आता इसके साथ। 205mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आपको साइड पे क्लैडिंग, एक SUV लुक देने के लिए, और वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स अगर काम आ जाए तो रूफ रेल्स। दिखने में तो अच्छे हैं ही, फंक्शनल भी हैं। 50 kgs का आप इस पर लोड कैरी कर सकते हो, इस कैपेसिटी के साथ आते हैं तो। पहले तो देखो, बेस वेरिएंट में रूफ रेल्स नहीं मिलते आपको किसी भी गाड़ी में, तो इसमें आपको मिल रहा है एडवांटेज, थोड़ी एसयूवी लुक आ जाती है। और दूसरी चीज़, अगर दूसरी कंपनी में या दूसरी गाड़ियों में रूफ रेल्स मिलते भी हैं तो उनमें आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं मिलती, यानी कि वो कॉस्मेटिक होते हैं, ये प्रॉपर फंक्शनल है। तो ये एक अच्छी एडवांटेज है विद द निसान मैग्नाइट, सामान कैरी करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर पाओगे। इस तरफ देखेंगे तो आपको रैप अराउंड टेल एलएम का सेटअप मिलेगा, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये स्पॉइलर, अगेन यूजुअली टॉप वेरिएंट्स में होता है लेकिन मैग्नाइट में आपको बेस वेरिएंट में भी पूरा एक्सटेंडेड स्पॉइलर जो है वो ऑफर कर रही है कंपनी, और रैप अराउंड आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं। हालांकि ये बल्ब सेटअप ही है, ये पुराने वाला डिज़ाइन की तरह ही आपको दिखेगा, कुछ चेंज नहीं देखने को मिलेगा, बट जो टॉप वेरिएंट और अपर वेरिएंट है उसमें ये LED ज़रूर हो जाता है। बट हाँ ठीक है, फिर भी डिज़ाइन अच्छा तो है। मैग्नाइट की बड़ी सारी बैजिंग और ये इजी शिफ्ट की बैजिंग, बिकॉज दिस इज द AMT वर्जन, जिसको मैनुअल और AMT में 60,000 rupees का फ़र्क आता है। नीचे चलेंगे तो अगेन ब्लैक कलर की स्किड प्लेट, नीचे रिफ्लेक्टर्स आपको ऑफर कर रही है कंपनी। बूट अगर हम ओपन करें इसके तो 336 लीटर्स की बूट स्पेस मिलेगी विदाउट द पार्सल ट्रे, और 60-40 रेशो स्प्लिट सीट आपको बेस वेरिएंट से मिलता है, जहां पर इसको फोल्ड करने से आई थिंक इसकी बूट स्पेस 690 हो जाती है। क्रॉशर की फोटो वीडियो यहाँ लगा देता हूँ। एक लाइट की कमी महसूस होगी जो कि अपर वेरिएंट्स में, बट हुक दिया गया है और स्पेयर टायर आपको 14 इंचेस का कंपनी ऑफर करती है कभी इमरजेंसीज में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। अब अंदर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऑल फोर पावर विंडोज, ये बहुत ही रेयर है कि आपको बेस वेरिएंट में ये चीज़ मिले, वो भी एक SUV डिज़ाइन में। मैग्नाइट की प्रॉपर बैजिंग जो कि टॉप वेरिएंट में भी वैसी ही, और ये डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लग रही है। इनफैक्ट तीन चार चीज़ें और अच्छी कि यहाँ पर भी फैब्रिक सपोर्ट जो है आपको वो कुशन्ड है, ऐसे नहीं कि हार्ड प्लास्टिक होती, ये सारा का सारा आपको स्टिच्ड मटेरियल फैब्रिक देखने को मिलेगा। 1 लीटर वाटर होल्डर भी आपको मिल जाएगा, और साथ में इस तरफ देखेंगे तो सेंट्रल लॉकिंग के लिए बटन है, ये सबको लॉक नहीं करता, लेकिन ध्यान रखना। बट जो चीज़ बुरी है वो भी बतानी है और अच्छी भी बतानी है। तो बुरी ये है कि मैनुअल एडजस्ट ORVMs है, तो ये थोड़ा सा इस साइड के लिए तो ठीक लगता है,
को ड्राइवर साइड पे जब मिरर से एडजस्ट करना होता है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपका लग जाता है। बट चलो कोई बात नहीं, अब जो चीज़ अच्छी की है वो भी बतानी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रबर पैडिंग ड्यूल लेयर की गई है यहाँ पर। इनफैक्ट इस तरफ भी देखेंगे तो एक्स्ट्रा पैडिंग की गई है, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्शन भी रहती है, कॉस्ट कटिंग बिल्कुल नहीं है, प्लस आपको साउंड जो है वो अंदर कम आती है। रोड नॉइज़ कह लो, टायर नॉइज़ कह लो, या विंड नॉइज़ कम हो जाती है कंपैरेटिवली। बट ओवरऑल दो तीन चीज़ें जो अच्छी लगी, जो बुरी लगी, सब मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ कमी मुझे लग रही है कि काश एक सीट हाइट एडजस्टमेंट दे देते, थोड़ी एसयूवी वाली फील ना और आ जाती, जिससे सिटिंग पोजीशन मेरी और बेटर हो सकती थी। क्योंकि अभी ना विजिबिलिटी वाइज मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज अभी ऊपर जगह है, शायद थोड़ा ऐसे होता तो अब ये अब विजिबिलिटी सही होगी, लेकिन उसके लिए मुझे सीट हाइट थोड़ी और चाहिए, नहीं तो मुझे रिक्लाइन जो है इसको थोड़ा आगे रखना पड़ेगा, बट वो उतना कंफर्टेबल नहीं है ना फॉर माय बैक। तो हाइट एडजस्टमेंट होती तो अच्छा लगता, बट अगेन बेस में फिर इतना कुछ मिल भी तो रहा है। अब बारी आती है इंटीरियर की, यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, बिकॉज ये बेस वेरिएंट है तो बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे, जैसे स्क्रीन नहीं मिलती है, बट आपको प्रॉपर मैनुअल एसी, थोड़ा सा स्टोरेज ऑप्शन, 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पर भी स्टोरेज कप होल्डर्स, और यहाँ पर भी स्टोरेज बहुत मिल रही है इस गाड़ी में, वो अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर भी आपको 10 लीटर्स का ग्लव बॉक्स मिल जाता है। इस वेरिएंट में ग्लव बॉक्स जो है वो कूल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि बूट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो तो आपको यहीं से इसका बटन जो है वो मिल जाता है, तो यहाँ से भी कर पाओगे। अगर स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ बूट ओपन करनी है, पूरी गाड़ी अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स, हेडलाइट कंट्रोल्स, बेसिक चीज़ें जो होती वो मिल जाती है। मैनुअल आपको वायर व्यम मिलेगा, टॉप वेरिएंट वाला आइगर व्यम हालांकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ऑब्वियसली। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको लाइट्स भी ऑफर की जाती है, जो कि अभी ऑन नहीं हो रही, एक सेकेंड, ये देख सकते हैं येलो, यानी कि डिफ्यूज़र के साथ आपको लाइट्स यहाँ पर ऑफर करी जाती है कंपनी की तरफ से। कीज़ की बात करें तो एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ, बहुत ही बेसिक की मिलेगी आपको, कुछ भी नहीं है इसमें ऑनेस्टली, कुछ ज़्यादा ही बेसिक है वैसे, बट नो वरीज, नॉर्मल तरीके से इनको लगाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर आपको सारे वेरिएंट्स में यानी कि बेस में भी ऑफर किया जाता है। जैसे अब ये देखो, ये वाला वैसे ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इसमें आपको प्रॉपर डेड पेडल भी मिल रहा है। मैनुअल ऑटोमेटिक में अगर देखते हो तो 60,000 रुपीज़ का फ़र्क है, यानी कि 5-speed मैनुअल और 5-speed ही AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन थोड़े से झटके देती है, बट इसका बेनिफिट ये होगा ना कि बेस वेरिएंट से ही आपको ऑटोमेटिक मिल रहा है, ये बहुत रेयर होता है। काफ़ी गाड़ियों में आपको मिडल से ही ऑटोमेटिक मिलता है, इसमें बेस से मिल रहा तो एडवांटेज है कि जिसका बजट ज़्यादा नहीं है लेकिन उसे पैर की कोई प्रॉब्लम है या ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस चाहिए, तो डेफिनेटली उसके लिए एक अच्छी ऑप्शन होती है कि बेस वेरिएंट में AMT वो परचेज कर सकता है। अब इस बेस वेरिएंट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसको लेकर ना मेरे बहुत डिफरेंस है, एक ओपिनियन है, थोड़ा एंड में बताता हूँ आपको। बट ओवरऑल स्पेस इज़ नाइस, हैचबैक से थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, तो वो एक एडवांटेज मिलता है विद द निसान मैगनाइट कि हैचबैक से ज़्यादा स्पेस है, एसयूवी वाली थोड़ी सी फील आ जाती है, लेकिन प्राइस हैचबैक से ज़्यादा नहीं है। अब पीछे चलते हैं और फीचर्स की बात करते हैं। डोर थंप बहुत ज़्यादा अच्छा आपको ऐसे फील नहीं कराता कि बहुत हैवी गाड़ी है, लाइट वेटेड है तो माइलेज अच्छी मिल जाती है। 19.4 किलोमीटर पर लीटर कंपनी क्लेम करती है, बट सिटीज़ में अराउंड 12 से लेके 14 और हाईवेज पे आपको 15-16 किलोमीटर पर लीटर तो मिल जानी चाहिए। फीचर्स की और स्पेस की बात करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग कि नी रूम अच्छा है, ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर मिल जाता है, तो तीन लोग पैरों में तो दिक्कत नहीं आती, बैठ पाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। विड्थ वाइज थोड़ा सा इशू ये रहता है कि शोल्डर टकराने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस नहीं है, बट कंसिडरिंग टाटा पंच के साथ इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ थोड़ा सा, तो उसके कंपैरेटिवली तो ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और ज़्यादा फीचर्स भी, जैसे कि बेस वेरिएंट से ही आपको प्रॉपर रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स एंड मोबाइल होल्डर भी मिलता है, प्लस हेडरेस्ट जो है वो सारे के सारे एडजस्टेबल है, 4, 1, 2, 3 एंड 4। मिडल में हेडरेस्ट टॉप वेरिएंट में भी नहीं है, लेकिन बाकी जो 4 है वो सारे एडजस्टेबल है, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली इनको एडजस्ट कर पाते हो और वो ज़्यादा अच्छा कम्फर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड हेडरेस्ट। और कुछ पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी लाइट है, हालांकि बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है ये, बट आई थिंक रात में अच्छी लगेगी, बट एटलीस्ट लाइट है। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग नहीं की बेस पीरियड में, दैट्स अ गुड थिंग, मतलब ज़रूरत की चीज़ें सारी आपको दी ही दी हैं। थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस जो आगे से दिख रही थी वो है, हाँ सीट्स के पीछे स्पेस आपको यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती, बस ग्रूविंग है थोड़ी सी। बट अगर आप डोर साइड पर एक चीज़ दिखाओ आपको तो ध्यान से देखेंगे तो बॉटल जो है वो पूरी रख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर ये ग्रूविंग भी प्रोवाइडेड है सारे डोर्स के ऊपर, तो ये चीज़ अच्छी लगी कि 1 लीटर की बॉटल भी यहाँ रख पाओगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर छोटी सी क्वार्टर विंडो भी है, ये देख सकते हैं, और प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स तो हैं ही, स्पेस अच्छी मिल जाती है। माई हाइट इज़ 5'8" 5'9", तो उस हिसाब से हेडरूम भी डिसेंट है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता देना। हाँ क्वालिटी वाइज डेफिनेटली देखो थोड़ा सा फील तो होगा कि जो क्वालिटी है वो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, हम कह सकते हैं कि यार
टॉप नॉच अप मार्केट ऐसा नहीं बोल सकता, बट हाँ डिसेंट क्वालिटी आपको मिलेगी प्लास्टिक्स की। आप जब टच करोगे फील करोगे तो ये चीज़ आपको भी रियलाइज़ हो जाएगी। बट अच्छी चीज़ पता क्या लगती है, कंपनी ने सेफ्टी को और ध्यान देते हुए मैग्नाइट में उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिए 6 एयरबैग्स, ABS, EVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जिसको हम व्हीकल डायनामिक कंट्रोल भी बोलते हैं, हिल स्टार्ट भी आपको मिल जाता है, और टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम जैसा फंक्शन भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रहा है। TPMS एक बहुत अच्छा फीचर है, बहुत गाड़ियों में तो टॉप में भी नहीं आता, मैग्नाइट में आपको बेस से मिल रहा है। कलर ऑप्शन डिस्कस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेस वेरिएंट में आपको व्हाइट और सिल्वर की ही ऑप्शन मिलती है, बट हाँ विस्या प्लस जाओगे तो आपको ब्लैक जो कि बहुत सेक्सी लग रहा है और उसके साथ साथ ब्लू, वो दो कलर ऑप्शंस और ऐड हो जाती हैं। इतनी वीडियो देख के मैग्नाइट लेने का प्लान बन ही गया अगर तो मैं कहूँगा दिल्ली NCR से हो तो एक बार एडिव निसान पे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर मैं छोड़ देता हूँ, इस पर कॉल कर सकते हैं। वैसे तो ये शोरूम चाहे वो गाज़ियाबाद में, बट आपको गाड़ी कहीं पे भी पूरे दिल्ली NCR में प्रोवाइड कर देंगे, टेस्ट ड्राइव के साथ अच्छे रेट्स दे देंगे, तो ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अब ओवरऑल कंक्लूजन देखो, सिंपल सी एक चीज़ है, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं विद द सोनेट है, वेन्यू है, XUV 3X है, तब लगता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आया। लेकिन जब हम इसकी प्राइस सोचते हैं, जब हम इसे कंपेयर करते हैं विद बलिनो i10 या फिर इवन टाटा पंच के साथ भी, तो कहीं ना कहीं एक बेटर ऑप्शन रहती है, बिकॉज स्पेस अच्छी मिल जाती है। और अब कंपनी ने बेस में आपको काफ़ी कुछ दे दिया है, जैसे कि 6 एयरबैग्स हैं, रियर में आपको प्रॉपर हेडरेस्ट के जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो भी मिलते हैं, आर्मरेस्ट भी मिलती है, कप होल्डर भी मिलते हैं, और 3-4 चीज़ें अच्छी लगी, ग्रिल का डिज़ाइन बढ़िया लग रहा है, ठीक है कि नहीं, तो ये बूट स्पेस अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी को स्पेशल बना देती हैं। लेकिन और ज़्यादा स्पेशल फील मैं कराऊँ, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दो, इसमें आपको 9 inches की स्क्रीन मिलेगी, जो कि निसान की अपनी तो नहीं है लेकिन उनकी ऑथराइज्ड रीसेलर की है, एक ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर की है, जहां पर आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको रियर डिफॉगर, रियर वाइपर वॉशर भी उसी 50,000 में ऐड हो जाते हैं, प्लस 2+2 स्पीकर्स यानी कि 4 स्पीकर्स का कॉम्बिनेशन भी है, वो भी ऑफर कर रही है कंपनी। एक दो फीचर और है यहाँ पर लिस्ट आउट कर देता हूँ, तो 50,000 में वो बहुत अच्छी वैल्यू हो जाती है, और उसका वेरिएंट का नाम है विस्या प्लस, इससे एक ऊपर वाला। तो ये है विस्या, विसिया बेस वेरिएंट, बेस से ऊपर एक आ जाता है जिसका प्राइस है 6.49 यानी कि 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, एंड दैट इज़ अ बेस्ट वेरिएंट इफ़ यू आर चूजिंग द निसान मैग्नाइट एंड यू वॉन्ट टू गो फॉर द वैल्यू। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैग्नाइट के अगर हम अपर वेरिएंट्स में जाते हैं, टर्बोज में जाते हैं, इसके फीचर पॉइंट से जाते हैं, तो मुझे लगता है कि सोनेट और XUV 3X वहाँ ज़्यादा वैल्यू समझती हैं। इसमें तभी जाने का फायदा है अगर आप इसका सस्ता वेरिएंट लेते हो, बिकॉज मैग्नाइट का बेनिफिट यही है कि ये सस्ती है, तो इसका वही वाला बेनिफिट उठाओ ना। अगर आपका बजट ज़्यादा है ही है तो फिर इसे क्यों लेना। सो दिस इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़, व्हाट इज़ योर ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। दिस वॉज द निसान मैग्नाइट बेस वेरिएंट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।